रही है ना? जी मैम। मैं स्क्रीन प्रिंट करती हूँ, आप लोग बता या नहीं। आज मैं आप लोग को कम पढ़ाऊंगी थोड़ा, क्योंकि मैं खुद बहुत थक सबसे पहले कमर गर्द करेंगे के बाद एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। मैम प्रेयर हो गई है। प्रेयर हो गई मैम। हाँ पता है, जानती हूँ। तो गायत्री मंत्र करने को बोल रही हूँ एक बार। सत्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी बोल पाऊँ तो नौ। ठीक है, तो आज हम करते हैं प्रेजेंट करियो। रुकिए, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी काफी। ठीक आवाज। ब्रेक है मैम, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है लेकिन अभी ठीक है अभी। चल। ओके, इसकी ब्रेक फिर से हो रही है। मुझे लगा 1 सेकेंड। अभी ठीक, मैम बीच में चली जा रही है आवाज फिर से।
हेलो, आवाज आ रही है क्या? अभी जी मैम, जी आ मैम, रही है मैम? यस जी ओके मैम, यस सर। चाहिए होगा रीजन भी। हेलो, जी मैम, जी आज मुझे थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा ही आप लोग को पढ़ाऊंगी और पढ़ा दूंगी, ठीक है? मेरे चेहरे से आप लोग को लग ही रहा होगा कि हालत खराब है। आज हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर ठीक है है मैम। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में, वो है आपका थायराइड डिसीज, ठीक है? थायराइड डिसीज जो है ये आपके ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड पाई जाती है जो मास्टर ग्लैंड द्वारा रेगुलेट होती है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पिट्यूटरी। और ग्लैंड उसका भी मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। कौन है भाई पिट्यूटरी का भी मास्टर? नहीं पता। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो ये क्या एक एक करके हमारे टारगेट ऑर्गन से क्या कराते हैं, सिक्रीट करवाते हैं या रिलीज करवाते हैं हार्मोन को। तो थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है, और इसके हार्मोन में अगर मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो इसको हम थायराइड डिसीज कहते हैं। अब ये है कहाँ की? तो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन वॉइस नहीं आ रही है मैम। होती है आपकी पैराथायराइड। मैम वॉइस ब्रेक नहीं आई आपकी। वॉइस ब्रेक मैम हो रही है? थायराइड एक ग्लैंड है, उसके बाद से आवाज नहीं आ रही। हाँ, थायराइड ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं। अभी आ रही है आवाज? यस मैम हेलो। आ रही है। इसमें दो लोब पाए जाते हैं, और थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड, जिसमें चार लोब पाए जाते हैं, ठीक है? अब इनमें से सिक्रीशन होता है हार्मोन का, उन हार्मोन को भी स्टिमुलाइज करते हैं हमारे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस से। आप लोग डायग्राम देखो, डायग्राम मैम वॉइस आ ही देखना, नहीं रही है, इतनी सारी आवाज कट रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। आवाज बहुत कट रही है। रुक जाओ जरा, मैं देखूं नेटवर्क खत्म ही हो गया क्या, बचा भी है? वैसे तो मैंने यूज नहीं किया है फिर। अभी तो आ रही है मैम। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या वॉइस की? यस यस जी मैम, सब मैम, यस मैम। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, मैं देखती हूँ कि एक सेकेंड मैंने कौन से नेट से कनेक्ट किया, मैं एक बार देखती हूँ। मेरा सर्वर डाउन चल रहा है इस वजह से नेट नहीं आ रहा है। अभी बताइए आ रही है क्या वॉइस? आ रही है मैम, अभी आ तो रही है ठीक मैम, है जैसे मैम। भी पढ़ाते हो हाँ तो आगे थोड़ा सा चली जाती है बात। ये सर्वर डाउन हो रहा है बार बार, इस वजह से हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है। ठीक मैम अभी है अभी फिर कट बताइए आ रही है, रही है बस ठीक से? अभी ब्रेक हो के फिर आ से रही है, ब्रेक ब्रेक हो रही है, फिर से कट रही है। हो रही है मैम, ब्रेक हो रही है। चेंज कर जरा। अभी वॉइस आ रही है? क्या मैम ब्रेक हो रही है, ठीक अभी भी ब्रेक हो रही है। हेलो यस मैम, हेलो
यस मैम, स्टिल ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? मैम अभी अभी तो तो ठीक ठीक आ आ रही है, रही जब है। आप पढ़ा रहे हो ना फिर ब्रेक हो रही है। ये वाली क्लियर आई है। ठीक है, एक बार मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, अभी बताइए, ठीक है ना वॉइस? यस मैम। यस मैम, यस जी मैम। मैम। चलिए तो हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड में बताया गया कि ये जो ग्लैंड है ये सबसे पहले जो फिर से है क्या रिस्पॉन्सिबल होता है मैम, कोई हाइपोथैलेमस। वॉइस फिर नहीं से आ रही है, वॉइस जा समझ रही में ही है। नहीं आ थैलेमस रहा है। किसी भी ग्लैंड को वर्क कराने के लिए। ठीक है, मैम कोई वॉइस नहीं आ रही है। तो आप डायग्राम मैम बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा लीक हो रही है। देखेंगे। आवाज़ें बिल्कुल नहीं है मैम अभी। हेलो जी हेलो मैम, मैम, उससे कोई वॉइस नहीं आ रही उस टाइम पे, अभी तो आ रही है। रही है? ठीक है, ओके। चलिए नो मैम, ब्रेक हो रही है बहुत हम ज्यादा। बात। अरे इसका क्या किया जाए, रुको जा। रुको एक सेकेंड। हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम, आवाज आ रही है। अभी ठीक है? अगर कंटिन्यू 2-3 मिनट ठीक मैम रहेगी तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कल क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक अभी आवाज एकदम क्लियर आई मैम, पढ़ाने का टाइम नहीं बोल सकते। ओके। तो कंटिन्यू रही तो चलेंगे 5 मिनट, नहीं रही तो हम कर लेंगे क्लास। वैसे 10 मिनट का है ही पूरा। जी चलिए मैम, अभी आ ठीक रही है ना वॉइस? है। पहले से स्टार्ट की मैम, कुछ भी नहीं सुना ही दिया। अभी 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 आ रही कि नहीं ये बोलो। मैम आप वॉइस अब अभी तो आ आ रही है रही है, मैम। बट मैम जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो उस टाइम पे वॉइस नहीं आती है ना, इसीलिए अभी तो सही आ रही है। ठीक है, चलिए मैं बोलती हूँ। अगर अब आवाज नहीं आई, पहले एक दूसरे को मैसेज करके पूछ लेना, अगर आ रही तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई एक बताना, फिर हम कल क्लास कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कल भी नहीं कर पाएंगे, कल संडे है, बता दूंगी मैं। आई विल इन्फॉर्म एनी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। तो थायराइड के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी आ रही ना वॉइस? इज दैट ओके नाउ? यस मैम, यस ठीक है, थायराइड डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये थायराइड ग्लैंड के का डिसऑर्डर है। थायराइड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में पाई जाती है। इसमें दो लोब्स होते हैं जो बटरफ्लाई शेप के होते हैं। मैम। आप स्क्रीन अटेंड नहीं किए हैं अभी? अरे कर चुकी हूँ भाई, हम नहीं स्क्रीन रही शेयर वो, नहीं नहीं आ रही है मैम। हो रही है अभी मैम, स्क्रीन शेयर। हाँ, एक सेकेंड रुको, अभी हो रही? यस मैम, ठीक है। अब जी देखिए, मैम, इन पूरे पिट्यूट इस पूरे ग्लैंड्स को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद ये जो TRH है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और पिट्यूटरी को बोलता है TSH सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, TSH के सिक्रीशन से, अगर TSH का सिक्रीशन ज्यादा है तो 3T3/4 का सिक्रीशन कम हो जाएगा, मतलब स्टिमुलेट करती है ये T3T4 को कि अब तुम्हारा सिक्रीशन ज्यादा है उसको कम कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले TRH निकलता है,
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, पिट्यूटरी से टीएसएच निकलता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ये टीएसएच आपके कहाँ जाता है नेक्स्ट, आपके थायराइड ग्लैंड में, और T3 T4 के जो सिक्रीशन है उसको कम करवाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं करवाता, कम करवाता है, क्यों, क्योंकि ये सिक्रीशन ऑलरेडी ज्यादा है, इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, अगर T3 T4 का सिक्रीशन कम है तो इसका सिक्रीशन क्या होगा, ज्यादा होगा, हमेशा टीएसएच का उल्टा होता है T3 T4, ठीक है, आप लोगों ने ये एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ लिया होगा, मेरे ख्याल से पढ़ लिया है, हेलो हेलो, यस मैम, आ जी रही वॉइस, मैम, जी मैम, हो गई हाँ ना, हो गई बोलो, आ तो रही, मेरे को पता है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े हैं मैम। सिस्टम पढ़ लिया, हाँ, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा ना, टीएसएच जस्ट अपोजिट काम करता है T3 T4 का, ये पढ़ा है, पढ़ा है मैं, लेकिन याद नहीं मैम। याद नहीं है तो कैसे देंगे एग्जाम भाई, चलिए, अब T3 T4 जो है ये मेन जो आपके हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, T4 कौन सा है, टेट्रा आयडो थायरोनिन, या फिर इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, दूसरा होता है T3, T3 को बोलते हैं ट्राई आयडो थायरोनिन, ठीक है, ये इसका फंक्शन है आपकी किसका, थायराइड ग्लैंड का, पहला तो हार्मोन का सिक्रीशन, दूसरा हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का काम करती है आपकी थायराइड ग्लैंड, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो ये हमारे पूरे बॉडी को, इंटायर बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में से, इफ योर बॉडी मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन, अगर आपकी बॉडी ज्यादा थायराइड हार्मोन करती है सिक्रीट, मीन्स T3 T4 का सिक्रीशन ज्यादा करती है, तो आपको हाइपर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, T3 T4 ज्यादा होगा और यहाँ पर TSH कम होगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, TSH का जस्ट अपोजिट T3 T4 होता है, ठीक है, TSH का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो T3 T4 का कम होगा, और T3 T4 का सिक्रीशन कम होना हाइपोथायरॉयडिज्म, और T3 T4 का सिक्रीशन ज्यादा होना हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, तो देखिए ये एक थायराइड फंक्शन टेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया है, इसमें आपको केवल दो कॉलम देखने हैं, जहां पर बोल्ड में लिखा है हाइपरथायरॉयडिज्म और बोल्ड में लिखा है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब आपको केवल दो कॉलम देखने हैं, ठीक है, बाकी कॉलम्स हैं लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, फर्स्ट कॉलम में देखो TSH का लेवल नॉर्मल है, फिर फ्री T4 का लेवल भी नॉर्मल है, T3 का लेवल, मीन ऐसी कंडीशन नॉर्मल व्यक्ति की होती है जब तीनों के लेवल नॉर्मल चल रहे होते हैं, लेकिन जब TSH का लेवल कम हो जाए, और TSH सिक्रीट किससे होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ही ये कम होता है आपके थायराइड से T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, और T3 T4 का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, वैसे ही जस्ट उल्टा आपका होता है किसमें, किसके उसमें हाइपोथायरिज्म में, हाइपो में TSH का लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन T3 T4 का लेवल यहाँ पर कम हो जाता है, तो हाइपर और हाइपो एक दूसरे के अपोजिट है, T3 T4 बढ़ना मीन्स हाइपर, T3 T4 घटना मीन्स हाइपो, अभी कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स है वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है थायराइड डिसफंक्शन में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मींस T3 T4 का लेवल क्या है यहाँ पर, लो लो है, और TSH का लेवल हाई हाय है, हाय ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 का लेवल क्या है, हाय हाय और TSH का लो 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 है, ठीक है, अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, हाइपोथायरिज्म आप समझ लो व्यक्ति का चंद्रभेदी प्राणायाम, और हाइपर थायराइड आपका सूर्यभेदी प्राणायाम, ठीक है, चंद्रभेदी प्राणायाम मीन्स आपका कफ बढ़ा है, सूर्यभेदी प्राणायाम मीन्स पित्त बढ़ा है, कफ जब बढ़ता है कफ के साथ वात बढ़ता है तो आपको ड्राई हेयर होते हैं, पफी फेस, कफ बढ़ने से आपका चेहरा मोटा मोटा दिखता है, तो हाइपोथायरिज्म में व्यक्ति हमेशा वेट गेन करता है, ये याद रखना,
वेट गेन क्यों करता है? क्योंकि T3 T4 का लेवल कम हो चुका है, और T3 T4 का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। लेकिन मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता तो व्यक्ति वेट गेन करता है, ये हमेशा याद रखना। लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाइपो मतलब होता है कि वेट कम हो जाएगा और हाइपर मतलब होता है कि वेट बढ़ जाएगा, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, हाइपो में T3 T4 का सिक्रीशन कम है तो मेटाबॉलिज्म कम करेंगे जिससे लोगों में वेट बढ़ता है। ठीक है, और थायराइडिज्म हाइपर में क्या होगा? वेट कम होगा। अब वेट बढ़ रहा है तो हार्ट बीट स्लो होगी, मीन्स हमेशा सब कुछ स्लो चलेगा। ठीक है, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, आर्थराइटिस जैसी समस्या होगी, मोटापा बढ़ेगा तो आर्थराइटिस तो होगा ही। और ऐसे व्यक्ति जो है कोल्ड, जैसे ठंड बहुत पड़ती है तो इनटॉलरेंस होता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कफ जो है इनका यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर कफ वालों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती ज्यादा, मैंने आपको बताया भी था शायद थेरेपी में कि एंजाइटी वाले जो है वो लोग क्या होते हैं, हमेशा पित्त रिलेटेड होते हैं, और कफ वाले जो होते हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ब्रिटल नेल्स में जो दिखते तो हार्ड है लेकिन जल्दी टूट जाते हैं, और ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, ड्राइनेस आ जाती है, फटीग होता है क्योंकि व्यक्ति जल्दी थकता है मोटापे की वजह से, और इनको मेमोरी लेस की लॉस की प्रॉब्लम होती है, और हैवी मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ज्यादा होता है, पीरियड्स भी जल्दी जल्दी आते हैं, और मसल एके होता है, मींस पूरे हाथ पैर की मसल्स में दर्द उठेगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, पित्त बढ़ गया है, वेट क्योंकि गेन वेट कम हो रहा है व्यक्ति का, मींस पित्त बढ़ा है, डाइजेशन बढ़ा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा है इस कंडीशन में, तो क्या होगा, हेयर लॉस होगा, बल्जिंग आईज होगी, ठीक है, और स्वेटिंग होगी, गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग होगी ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पतले दुबले और बहुत जल्दी गर्मी आ रही होगी। ठीक है, आवाज आता है, नेक्स्ट आवाज आ रही है? यस मैम, हेलो जी, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट होता है कांग्या, गाइस बल्जिंग आईज, आप बाहर की ओर निकलना, आप बड़ी बड़ी बाहर निकलती, स्वेटिंग हेलो, अभी ठीक है? यस ठीक है। ठीक है, फिर आता है रेगुलर गैस, इनको बनी रह रहती है, इनके नेल्स सॉफ्ट होते हैं, इनको सोने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि जब सोते हैं तो इनको चेस्ट हैवीनेस, एंजाइटी ऐसी चीज होती है, और इनसे गर्मी नहीं सही जाती क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है शरीर में तो गर्मी नहीं सही जाती। ठीक है, इनफर्टिलिटी होती है इनको, प्रॉब्लम मीन्स बच्चे नहीं होते बहुत से लोगों को। ठीक है, और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आता है, मसल इनकी वीकनेस महसूस करती है क्योंकि ऑलरेडी इतना खाना पच रहा है, नर्वसनेस होती है, हाथ पसीना बहुत आता है, और स्कैंट मेंस्ट्रुअल मींस मेंस्ट्रुअल थोड़ा दिन में आते हैं और इररेगुलर आते हैं, मींस स्कैंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इनको होते हैं। ठीक है, ये कुछ सिम्टम है या डिसफंक्शन है थायराइड के, हाइपोथायराइड के और हाइपरथायराइड के, समझ में आया ना? इसमें आप हार्मोन का लेवल याद रखना, हाइपर में T3 T4 बढ़ता है और TSH कम होता है और वेट लॉस होता है, और हाइपो में वेट गेन होता है, T3 T4 का लेवल कम होता है, TSH का लेवल बढ़ता है। ठीक है, याद रहेगा? यस यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है। तो थायरॉइडिज्म में भी कॉज्ड बाय किसकी किसकी वजह से प्रॉब्लम प्रेजेंट एट बर्थ, कैसे? सम बेबीज आर बोर्न विथ थायरॉइड ग्लैंड दैट डजंट वर्क करेक्टली, किसी किसी व्यक्ति को बचपन से ही जब वो पैदा होता है तब से उनकी थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं कर रही होती है। अदर्स आर बोर्न विथ नो थायराइड, किसी किसी को तो थायराइड ग्लैंड होती ही नहीं है। इन मोस्ट केसेस द रीजन द थायराइड ग्लैंड डिडंट डेवलप प्रॉपरली इज नॉट क्लियर, कभी कभी क्या होता है ये डेवलप अच्छे से नहीं होती, एक में तो वर्क नहीं करती है, एक में होती ही नहीं है, और एक में होती है तो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, बट सम चिल्ड्रन हैव एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ थायराइड डिसऑर्डर,
किसी किसी को उनके माता पिता से मिलता है इनहेरिटेड, ठीक है। ऑफ एन इन्फेंट बोर्न विथ हाइपोथायरिज्म डोंट हैव नोटिसेबल सिम्टम एट फर्स्ट। जिनको हाइपोथायरिज्म होता है, हाइपोथायरिज्म मीन्स वेट गेन। बच्चे देखना आप पैदा होते ही 5 किलो के हो जाते हैं। जनरल वेट 3 किलो का होता है बच्चों का, ठीक है। 5 से 6 किलो के बच्चे होते हैं पैदा, तो कुछ कुछ इनके सिम्टम हम समझ नहीं पाते। इनको हाइपोथायरिज्म होता है, वेट हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। दैट वन रीजन वाई मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर न्यू बोर्न थायराइड स्क्रीनिंग। इसीलिए बहुत से स्टेट्स में न्यू बोर्न थायराइड स्क्रीनिंग की जाती है कि इस बच्चे को कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं जिनको जनरली नोटिस नहीं किया जाता स्टार्टिंग में। फिर होता है पिट्यूटरी डिसऑर्डर। पिट्यूटरी डिसऑर्डर मीन्स अ रिलेटिवली रेयर कॉज ऑफ हाइपोथायरिज्म इज द फेलियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू मेक इनफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए हाइपोथायरिज्म की कंडीशन कब है, जब T3 T4 का लेवल क्या हो गया हमारा, कम हो गया। और T3 T4 का लेवल कम कब होगा, जब TSH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, इनफ मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करती है, TSH करती है। इस वजह से भी ये होता है। दिस इज यूजली बिकॉज ऑफ नॉन कैंसरस ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी कभी ट्यूमर बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और ये सही से वर्क नहीं करती, उस कंडीशन में भी आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है किसी किसी लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद हाइपोथायरिज्म, मैंने आपको बताया था वेट गेन करती है कुछ कुछ लेडीज, ठीक है, मोटापा बढ़ता है होती है। तो इफ हाइपोथायरिज्म हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट इज एन ट्रीट, इट रेजेस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। अगर किसी भी व्यक्ति को हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम बन गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी लॉस मीन्स मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी मीन्स थोड़ा पहले ही होती है, प्री क्लैम्सिया हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्लैम्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्यों होते हैं, प्री क्लैम्सिया कॉजेज आ सिग्निफिकेंट राइज इन ब्लड प्रेशर। मीन्स आपके ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस कंडीशन में किसी किसी को 7th मंथ में ही बच्चा जो है पैदा हो जाता है, जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, बच्चा निकालना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरिज्म है तो ये बहुत भयानक कंडीशन है। और ये अगर हाइपोथायरिज्म ऑल्सो कैन सीरियसली अफेक्ट द डेवलपिंग फीटस, मैंने आपको बताया अगर फीटस है तो उसको डेवलप होने में दिक्कत होगी। फिर अगर एक व्यक्ति सामान्य से नॉर्मल मात्रा में आयोडीन नहीं लेता है तो भी दिक्कत होती है। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या मांगती है, एक आयोडीन मिनरल्स को उसकी नीड होती है, उसको मांगती है, ठीक है, टू मेक थायराइड हार्मोन। आयोडीन इज फाउंड मेनली इन सी फूड। सी फूड में आया जाता है, प्लांट्स ग्रोन इन आयोडीन रिच सॉइल और आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। अगर आप बहुत कम मात्रा में आयोडीन लेते हो तो भी आपको हाइपोथायरिज्म हो जाता है, और टू मच आयोडीन लेते हो तो आपको हाइपोथायरिज्म वर्स हो जाता है। टू मच आयोडीन कैन मेक हाइपोथायरिज्म वर्स इन पीपल हु ऑलरेडी हैव द कंडीशन, जिनको है ऑलरेडी, और अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो और कंडीशन बढ़ जाती है। इन सम ऑफ द वर्ल्ड इट्स कॉमन फॉर पीपल नॉट टू गेट इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, बहुत से लोगों को नहीं मिलता। द एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट हैज ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड दिस प्रॉब्लम इन यूनाइटेड स्टेट, मीन्स देखा गया इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आयोडीन की मात्रा कम होने से। और आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत होती है, ठीक है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, अब आते हैं इनके रिस्क फैक्टर क्या है। ऑल दो कितना एडिशन प्रॉब्लम, हाँ अमाउंट देना चाहिए आयोडीन का कोई? अमाउंट तो अभी मैंने नहीं पढ़ा, पर फिर भी ज्यादा ही मात्रा में चाहिए क्योंकि आयोडीन से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। तो आयोडीन बहुत लोगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम लोगे तो भी दिक्कत है, बहुत लेने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। देखना पड़ेगा एक बार नॉर्मल मात्रा क्या है इसकी। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस मेनली मेल से ज्यादा फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है, वुमेन्स में ज्यादा देखी जाती है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है थायराइड डिसीज की तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हैव एन ऑटो इम्यून डिसीज, किसी को ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है, उसके साथ इनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सीलियक डिसीज, सीलियास में, ठीक है। हैव रिसीव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरिज्म, कोई व्यक्ति अगर हाइपरथायरिज्म का ट्रीटमेंट ले रहा है
तो भी उसको हाइपोथायरिज्म हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायरिज्म का ट्रीटमेंट लेता है तो व्यक्ति ज्यादा फूड लेता है, ज्यादा चीजों पे ध्यान देता है, तो भी हाइपोथायरिज्म का बिगड़ता है, एकदम से बढ़ता है वेट। ठीक है, मैम एक बार ये फिर लाइन, मैम रिसीव एक बार ये लाइन दोबारा रिपीट करना प्लीज, समझ नहीं आया कौन सी, मैम ये कि अगर कोई ये डाइट लेता है, मतलब ये समझ नहीं आया। जैसे हाइपोथायरिज्म की कंडीशन में क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, वेट बहुत कम होता है, तो उसके लिए जब हम मेडिकेशन लेते हैं, लोग अपने थायराइड को ज्यादा वर्क कराने के लिए ऐसी मेडिकेशन लेते हैं कि थायराइड का वर्क या हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, या कैसे भी सॉरी कम हो जाए। तो जब हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है उस कंडीशन में, इतना कम हो जाता है हार्मोन कि मेटाबॉलिज्म आपका एकदम से बंद हो जाता है, और इस कंडीशन में हाइपोथायरिज्म हो जाता है, T3 T4 का लेवल कम हो जाता है। हाइपर मतलब क्या है, T3 T4 ज्यादा, तो इसको कम करने के लिए लोग मेडिकेशन लेते हैं, और मेडिकेशन या ट्रीटमेंट के चक्कर में इसका लेवल ज्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा कम जो होने से क्या होगा अपने लिए, हाइपर में जो हम अगर मेडिसिन अधिक ले रहे हैं तो वो फिर हाइपो में चला जाएगा हाइपर से। हाँ मेडिसिन उसको मैनेज करने के लिए अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, यस मैम, मेडिसिन में जनरली उसके अपोजिट वर्क कराने के लिए मेडिसिन लेते हैं हम, हाइपर को हाइपो करने के लिए, मीन्स नॉर्मल करने के लिए लेंगे। नॉर्मल के चक्कर में कभी कभी बहुत रहता है, जैसे कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, वेट लॉस करने के चक्कर में कमजोर ज्यादा पड़ जाते हैं, वेट तो लॉस होता ही होता है लेकिन वीक ज्यादा पड़ जाते हैं, वैसा ही है, हाइपो करने के चक्कर में हाइपो कंडीशन आ जाती है, मीन्स नॉर्मल करने के चक्कर में। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। और अगर किसी को अपर चेस्ट में रेडिएशन थेरेपी हुई है तो, ये रेडिएशन मिला है तो, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और थायराइड सर्जरी की वजह से तो होती होती है। आप देखिए ये एक प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी, मेनली हम हाइपोथायरिज्म पढ़ते हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हाइपोथायरिज्म में लोगों का वेट गेन होता है, ओबेसिटी आती है, सब कुछ आता है। हाइपर होता है, हाइपर में व्यक्ति पतला होगा, थोड़ा ये होगा, लेकिन मैनेजेबल है, लेकिन हाइपो ज्यादा मैनेजेबल नहीं होती है, इसलिए हाइपोथायरिज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपोथायरिज्म की कंडीशन और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आती है, जैसे गोइटर। गोइटर क्या है, आपकी जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड की साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, जिसके वजह से आपके गले में स्वॉलिंग हो जाती है और आपको निगलने में और ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे और हार्ट प्रॉब्लम होती है। हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है, हाइपोथायरिज्म कैन लीड टू हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज और हार्ट फेलियर। ठीक है, दैट्स मेनली बिकॉज पीपल विथ एन अंडर एक्टिव थायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड समझ रहे हो आप, हाइपोथायरिज्म मतलब कि आपकी थायराइड एक्टिव नहीं है, मतलब सही सफिशियंट हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही है, तो अंडर एक्टिव थायराइड टेंड टू डेवलप हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मैंने आपको बोला था दो तरीके के लाइपोप्रोटीन होते हैं, एक तो एचडीएल होता है, एक होता है आपका एलडीएल। ठीक है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी, हम इस हार्ट प्रॉब्लम को हाइपोथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म से कैसे कनेक्ट किया है किसको मैम? हाइपोथायरायडिज्म से इस हार्ट प्रॉब्लम को कैसे कनेक्ट किया है, एक बार बता दीजिए। देखिए, हाइपोथायरिज्म की कंडीशन में सिम्टम्स क्या होते हैं, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, फैट और नेक्टिव वो ज्यादा हैवी हो जाएगा, नेक्टिव हो जाएगा, ठीक कफा प्रेडोमिनेंट है, होगा। और आपकी या आपका हार्ट एक्टिविटी क्या होगी, स्लो हार्ट हो जाएगा, स्लो हार्ट रेट होगा, स्लो हार्ट रेट ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगी, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगी तो क्या होगा, हार्ट फेलियर या हार्ट होने की प्रॉब्लम है। समझ में आया, क्यों नहीं जाती है, ओके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, समझ में आया भाई, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके मैम, ठीक है, ठीक है, बैड बैड तो मैं आज कोलेस्ट्रॉल आप से लोगों क्या को होगा मैम? सुनाऊंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल से, बैड कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिसीज होती है। हार्ट डिसीज बोले तो क्या, हाँ, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ओहो
क्योंकि ब्लड नहीं जाता कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और दूसरा ऑक्सीजन भी नहीं जाती, ठीक है? ठीक है भाई, एलडीएल कैसे, एक बार और बता दीजिए मैम, एलडीएल कैसे बढ़ता है? आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है? दो तरीके का लाइपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी। हाँ वो तो ठीक है मैम, पर ये कैसे बढ़ता है आप पूछ रहे हो, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ यही पूछ रही हूँ। जब मैंने आप लोग को बताया था ना एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब मैंने आपको बताया था एंजाइमेंट में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, ये कब बढ़ता है? जब आप ज्यादा तेल वाली चीज खाते हैं, ज्यादा मैदा खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, इन सब की वजह से बढ़ता है एलडीएल। अच्छा तेल खाओगे, रिफाइंड ऑयल ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नॉर्मल ऑयल जैसे हमारा हो गया तिल का हो गया, राई हो गया, ये अच्छे होते हैं, ठीक है? समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है? पर ये तो हाइपो हाइपोथायरायडिज्म से कैसे बढ़ता है एलडीएल, ये पूछ रही थी मैं। अरे हाइपोथायरायडिज्म से बढ़ता नहीं है, देखो आपको बताती हूँ मैं, एक सेकंड। हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन बताओ क्या क्या होता है। हाइपो में मैम वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से शायद आर्टरीज में जब, हाँ एलडीएल की वजह से, एलडीएल की वजह से तो नहीं बढ़ता है बट फैट बढ़ जाने से हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा एलडीएल। जब आप अंडर एक्टिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हर कोई खाता है, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का हम डाइजेशन कर लेते हैं लीवर द्वारा, वो फ्लश हो जाता है। लेकिन जो लोग अंडर एक्टिव है, अंडर एक्टिव मीन्स काम नहीं कर रहे, हाइपोथायरायडिज्म वाले काम ही नहीं करते, उनकी कंडीशन कैसी थी, मोटापा आ गया है तो काम नहीं करेंगे कुछ, ठीक है, लेजी हो जाएंगे एकदम, थकान बहुत होगी, तो ऐसे लोग क्या करते हैं अंडर एक्टिव होते हैं। अंडर एक्टिव होने की वजह से ये बहुत चांसेस होते हैं कि ये हमारे एलडीएल को बढ़ा दे, हमारे बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ा दे, और जैसे एलडीएल की मात्रा बढ़ती तब आपको हार्ट डिसीजेस होती है। समझ में आया? क्योंकि ये ज्यादा कंज्यूम करते हैं कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा स्टोर भी करते हैं। समझ पा रहे हैं? हेलो, हाँ समझ आ गया। हाइपो से फैट बढ़ा, फैट से एलडीएल बढ़े, ठीक है। ठीक है, चलिए ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार शांति पाठ करेंगे और मैं मंडे को क्लास आऊंगी, और 9th और 10th को, अगर मैं मंडे को 5 बजे नहीं आती हूँ तो मैं उस दिन की क्लास 7 को लूंगी, ठीक है? तो टाइमिंग एक बार प्रीति का बता दीजिएगा, कोई क्लास का टाइमिंग तो नहीं है? 8 बजे के बाद कोई क्लास होती है आपकी? मैम 8 बजे, 8 बजे से मैं 8 से 9 क्लास हूँ। कौन सी लेते हैं? आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा कौन लेते हैं? आयुर्वेदा कुंदन कुमार सर। कुंदन कुमार, अच्छा तो प्रीतिका आप हो क्या? जी मैम, एक बार कुंदन सर से बात कर लेना, नहीं तो आओ सर से पूछ लेना, ठीक है? ये क्लास इंटरचेंज हो सकती है क्या? तो मैं 8 बजे लूंगी, वो 4 बजे ले लेंगे, पूछ लेना एक बार, नहीं होता तो फिर देखते हैं। फिर 2 घंटे की, 7 तारीख को 2 घंटे की क्लास होगी। ओके, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। रब योर बोथ पाम, पुट योर पाम ऑन योर आइज, नाउ ओपन योर आइज। अनुरा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।